संसद का बजट सत्र खत्म होने में अब महज 3 दिन बचे हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि वो आगामी चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन बिल को कानून की शक्ल दे सके, क्योंकि इसके बाद उसे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस बिल को पास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे लेकर नाराजगी कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि सरकार पर संकट आ रहा है। बीजेपी के बागी यशवंत सिन्हा ने तो हार की भविष्यवाणी तक कर दी है। नागरिकता संशोधन बिल मोदी सरकार के गले की फांस बना हुआ है। हर तरफ बिल को लेकर बवाल मचा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर पीएम मोदी को इस विधेयक के खिलाफ विरोध झेलना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार के तेवर तल्ख हैं। पिछले दिनों असम के दौरे पर आए पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ये तेवर बीजेपी की नैया डुबा सकते हैं। अब तो बागियों ने भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर डाली है। अक्सर सरकार को घेरने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि विधेयक राज्यसभा से पारित नहीं हो पाएगा, ये बिल सरकार की सबसे बड़ी गलती है, इसका हर्जाना उसे हार से भुगतना होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 अल्पसंख्यक समूहों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाले इस विधेयक को सरकार लोकसभा से पास करवा चुकी है। अब अग्नि परीक्षा राज्यसभा की है, जिसमें सरकार हारती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि अब तो सरकार पर भी संकट आ रहा है। यशवंत सिन्हा ने हार की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सभी दल इस बिल के खिलाफ है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि सरकार राज्यसभा में बलपूर्वक विधेयक पास करने का साहस करेगी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब मोदी सरकार के अच्छे दिन जाने वाले हैं। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये सरकार दूसरी बार सत्ता में नहीं आने वाली है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यशवंत सिन्हा ने तो हार की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन ये सच होगी या नहीं, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।